सावन के आखिरी सोमवार में सुख शांति के लिए करें ये उपाय। मान्यता है कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, ऐसे में इस दिन व्रत पूजा करना उत्तम फल प्रदान करेगा। सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर शिव संग माता पार्वती जी की आराधना की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति सदा बनी रहती है। धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उपाय। सावन के आखिरी सोमवार पर रात को 9 से 10 बजे के बीच शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं, साथ ही अगले दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, साथ ही धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कर्ज मुक्ति के लिए उपाय। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही, तो सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से धीरे धीरे कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलने लगती है। कष्टों से छुटकारा पाने के लिए सावन के सोमवार पर जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अटके हुए काम भी बनने लगते हैं, साहस पराक्रम में भी वृद्धि होती है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्म में बेलपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसकी जड़ में स्वयं माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, यही वजह है कि सावन के सोमवार को बेलपत्र के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। सुख समृद्धि के लिए मंत्र। सावन माह के आखिरी सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शिव जी के इस मंत्र का जाप 101 बार करना चाहिए। ओम सांब सदा शिवाय नमः। यश की प्राप्ति के लिए मंत्र। जीवन में ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति के लिए सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र 101 बार कर सकते हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर कर ले बस एक ये उपाय। सावन का संपूर्ण महीना भगवान शिव को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को जल मात्र के अभिषेक से ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन सच्चे मन से गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर अभिजीत मुहूर्त में भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। जलाभिषेक करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी की, हमारी सबकी मनोकामना पूरी करें। हर हर।